नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली एजेंसी इंटेली स्मार्ट के अधिकारियों के साथ विद्युत भवन में एक ऑफ मीटिंग आयोजित हुई। बुधवार को मीटिंग के दौरान एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन हेतु संपूर्ण कार्य योजना का विस्तार रूप से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने एजेंसी के अधिकारियों को इंस्टॉलेशन हेतु सभी तैयारियों को पूरा कर दिसंबर 2023 से गया जिला से शुरुआत करने का निर्देश दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड बढ़ते मामले को देखते हुए मोदी सरकार एक बड़ी योजना लाने जा रही है। सरकार 4 घंटे में ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए डिजिटल पेमेंट पर एक सुरक्षा उपाय शुरू करने जा रही है। इसके तहत IMPS, RGTGS और UPI सहित पहली बार 2000 रूपए से अधिक के डिजिटल लेन देन के लिए 4 घंटे की सीमा लगाए जाने की संभावना है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हम पहली बार 2000 रूपए से अधिक के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 4 घंटे की समय सीमा जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा था कि एक एक घर में जाकर पता कीजिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने इसके खिलाफ है। जो इसके पक्ष में नहीं है उन्हें जाकर समझाइए कि शराब बहुत खराब चीज है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने इन सारों में शराबबंदी का सर्वेक्षण राज्य भर में करने का निर्देश दिया था। इसके बाद अब इसको लेकर मद्य निषेध उत्पादन और पंजीकरण विभाग तैयारी में जुट गई है। संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिस पर भारत ने इसराइल के विरोध में अपना वोट दिया है। भारत के अलावा 91 देशों ने भी इसराइल के विरोध में लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह प्रस्ताव मिस्र ने इसराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था, जिस पर वोटिंग में 91 देशों ने मिस्र के प्रस्ताव का समर्थन किया और 8 देशों ने मिस्र के प्रस्ताव के विरोध में इसराइल के समर्थन में वोट दिया। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। राज्य के 11 विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवांत लाभ का भुगतान जल्द होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को संबंधित विश्वविद्यालयों के बैंक खाते में 186 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक पटना विश्वविद्यालय को 10 करोड़ 26 लाख 45 हजार, मगध विश्वविद्यालय को 26 करोड़ 37 लाख 42 हजार, BR अंबेडकर विश्वविद्यालय को 26 लाख 75 हजार 20 लाख, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को 7 करोड़ 66 लाख 96 हजार, BN मंडल विश्वविद्यालय को 13 करोड़ 78 लाख 32 हजार और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को 10 करोड़ 74 लाख 45 हजार जारी किए गए हैं। देश में एसिड बिक्री को नियमित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहती है। इसी बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नकेल कसी गई है। अब इस चीज को ऑनलाइन खरीदने पर भी सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी देनी होगी। इसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी एसिड खरीदना आसान नहीं रह जाएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फोटो आईडी अनिवार्य रूप होने के 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति एसिड नहीं खरीद सकेगा। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे एसिड बेचने वाली कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री करने से पहले उनसे लिखित में शपथ पत्र लें। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के विकास पर मंथन होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होने वाली है। बिहार में परिषद की यह बैठक 5वीं बार होगी। इसके पूर्व वर्ष 1958, 1963, 1985 और 2015 में पटना में यह बैठक हो चुकी है। इस मंथन में सभी राज्य अपनी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर बातों को रखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे से संबंधित सिफारिशें करने के लिए सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन से संबंधित संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार शाम को ही बैठक में 16वें वित्त आयोग के संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक के लिए वैध रहेगी। उन्होंने कहा कि आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक कर राजस्व के विभाजन संबंधी अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इससे पहले 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। उसने अपनी अंतरिम एवं अंतिम रिपोर्ट के जरिए 1 अप्रैल 2020 से 6 साल की अवधि के लिए सिफारिशें की थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में सुरक्षित निकाले गए बिहार के 5 मजदूरों को राज्य सरकार अपने खर्च पर लेकर आएगी। उनको सुरक्षित बिहार लाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने एक अधिकारी को उत्तराखंड भेजा गया है। विभाग के अनुसार टनल से सुरक्षित निकाले गए 5 श्रमिकों को बिहार लाने के लिए दिल्ली से LEO को भेजा गया है, जो देर रात ऋषिकेश एम्स पहुंच गए। उत्तराखंड भेजे गए श्रम अधिकारी को कहा गया कि बिहार के सभी श्रमिकों को लाने के लिए वे समुचित व्यवस्था करें। मिली जानकारी के अनुसार श्रमिकों ने विकट परिस्थितियों में टनल में काफी कुछ सहा है, इसलिए विभाग ने नियमानुसार पुरस्कृत भी करेगी और सम्मान भी करेगी।
पाकिस्तानी नेता और आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया दावा किया। अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक पर सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। गुप्ता को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों ने जून में गिरफ्तार किया था। अब उसके प्रत्यर्पण का इंतजार किया जा रहा है। मैनहट्टन में सिर्फ संघीय वकील डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक संप्रभु राज्य की वकालत करने वाले एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश भारत से रची जा रही थी। हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। बीते कुछ महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। नवंबर के महीने में तो ये बदलाव दो बार देखने को मिला है। पहली तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया गया था। इस बार घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर दोनों के दाम में कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तालिबान शासन में उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानी कजई ने कहा है कि नई दिल्ली में अफगान दूतावास अगले कुछ दिनों में अपना कामकाज फिर से शुरू करेगा। स्टानी कजई ने अफगान प्रसारक आरटीए को बताया कि हैदराबाद और मुंबई में अफगान वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने काबुल से निर्देश के बाद दूतावास का दौरा किया है। तालिबान नेता ने कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। अफगान दूतावास में कामकाज फिर से शुरू करने के बारे में उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राजदूत फरीद मुमंडजे के नियंत्रण वाले मिशन ने कुछ दिन पहले भारत सरकार की ओर से लगातार चुनौतियों का हवाला देते हुए दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाए जाने के लिए बुधवार को कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भूखा न सोए। सरकार ने 81.35 करोड़ गरीबों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए PMJKAY योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जिसके सरकारी खजाने पर लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2024 में 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला और इतने ही T20 मैचों के लिए श्रृंखला का दौरा करेगी। श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार को इसकी घोषणा की। वर्ष 2024 में श्रीलंका की पुरुष राष्ट्रीय टीम 52 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रतिस्पर्धा करेगी, जिसमें 10 टेस्ट, 21 वनडे और 21 T20 शामिल हैं। SLC ने एक आधिकारिक बयान में कहा, श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम अपने 2024 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर की शुरुआत जनवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला के साथ करेगी, जिसमें 3 एक दिवसीय और 3 T20 श्रृंखलाएं शामिल होंगी। सरकार ने अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुधवार को 18 विधेयक सूचीबद्ध किए, जिनमें महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी तक बढ़ाने संबंधी 2 तथा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार एक ऐसी विधेयक लाने की भी योजना बना रही है, जिसमें प्रवासी कश्मीरियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने के प्रावधान हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि ट्रेन यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारतीय रेलवे 650 से 700 करोड़ के पूर्व कोविड यात्री यातायात को छू लेगा। मंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्टों और टिप्पणियों को जोरदार खंडन करते हुए कहा कि ट्रेन यात्रियों की संख्या 2010 की तुलना में आधी हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड लॉकडाउन के बाद भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2021 से अपनी ट्रेन सेवाएं शुरू की और जुलाई 2022 तक परिचालन सामान्य हो गया था। इसके अलावा उन्होंने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया कि गैर एसी कोच या स्लीपर क्लास कोच की संख्या कम कर दी गई है। भारतीय रेलवे नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की शेड्यूल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव 21 मार्च 2024 से नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22439 और 22440 वंदे भारत एक्सप्रेस की समय सारणी में किया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर 2019 को भारत में दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया। यह ट्रेन मौजूदा वक्त में उत्तर रेलवे क्षेत्र के रखरखाव और संचालन के दायरे में है। सॉफ्टवेयर उद्योग के दिग्गज एनआर नारायण मूर्ति ने बुधवार को कहा कि कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु टेक समिट 2023 के 26वें संस्करण को संबोधित करते हुए इंफोसिस के सह संस्थापक मूर्ति ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने वाले लोगों को समाज की भलाई के लिए योगदान देना चाहिए। मूर्ति ने कहा कि मैं मुफ्त सेवाएं दिए जाने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक समय गरीब पृष्ठभूमि से आया था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन लोगों से बदले में कुछ उम्मीद करनी चाहिए जिन्होंने मुफ्त सब्सिडी प्राप्त की है, ताकि वे अपनी भावी पीढ़ी, अपने बच्चों और पोते पोतियों को स्कूल जाने के मामले में बेहतर बनाने और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी ले सके। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध, उनकी कार्यशैली, नीति और उनकी छवि को भारत को वैश्विक स्तर पर फायदा मिल रहा है। उनका साफ कहना है कि हालिया दिनों में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख से भी इसे समझा जा सकता है। यूक्रेन मामले में भारत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है और इसमें रूस तथा यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप के कई राष्ट्राध्यक्ष भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहे हैं। यह भारत की बढ़ती महत्ता और पीएम नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत कद को भी दर्शाता है।
कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बुधवार को भी कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर एक गुस्से भरा पोस्ट किया है। कपिल शर्मा फ्लाइट लेट हो जाने के कारण भड़क गए हैं। कपिल ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने इंडिगो फ्लाइट की लेट लतीफी पर गुस्सा निकाला है। अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी सपोर्ट में उतर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीरिया के गोलन हाइट से इसराइल अपना कब्जा हटा ले। खास बात है कि भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं 8 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। 62 देश वोटिंग से दूर रहे। बता दें कि वह क्षेत्र है जिसे यहूदी राष्ट्र इसराइल 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया से कब्जा लिया था। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2023 के फाइनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने परीक्षा के पहले चरण यानी पेपर एक में सम्मिलित सभी सफल और असफल घोषित उम्मीदवारों के मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार एसएससी की जेई परीक्षा में विभिन्न चरणों में सम्मिलित हुए थे वे अपने मार्क्स के साथ साथ अंतिम उत्तर कुंजिया एवं प्रश्न पत्र की को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। साहित्य अकादमी का पुस्तक मेला पुस्तकायन 2023 का आगाज 1 दिसंबर शुक्रवार से हो रहा है। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस पुस्तक मेला में देश दुनिया के लेखक प्रकाशक पत्रकार और कलाकार शिरकत कर रहे हैं। 9 दिन के इस आयोजन में साहित्य अकादमी का विशेष फोकस बाल साहित्य पर रहेगा। इसके लिए साहित्य अकादमी के पुस्तकालय में एक चिल्ड्रंस कॉर्नर भी बनाया गया है। चिल्ड्रंस कॉर्नर और पुस्तकायन का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। अमेरिका H-1B वीजा की कुछ श्रेणियों के घरेलू नवीनीकरण के लिए 1 दिसंबर में एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगा। इसमें भारतीय टेक्नोलॉजी पेशेवरों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए विदेश विभाग ने उन विदेशी नागरिकों को 20,000 वीजा जारी करने से जो पहले से ही देश के अंदर है वीजा सेवाओं के लिए उप सहायक सचिव जूली स्टफर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय यात्रियों को शीघ्र अपॉइंटमेंट मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करने विकास का समर्थन करने के साथ हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़कर असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। ब्राजील के 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालने से पहले मोदी ने भारत की अध्यक्षता के तहत इस विशिष्ट समूह की यात्रा को रेखांकित किया और विश्वास जताया कि उनका देश इस विश्वास के साथ यह जिम्मेदारी सौंपने की लोगों धरती शांति और समृद्धि के लिए हमारे सामूहिक कदम आने वाले वर्षों तक गूंजते रहेंगे। आज डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। शेयर बाजारों से बढ़त और निरंतर विदेशी फंड प्रवाह के चलते रुपये ने लगातार तीसरे दिन अपनी बढ़त बनाए रखी। आज के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़कर 83.30 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा तेल उत्पादक देशों ओपेक प्लस की महत्वपूर्ण बैठक से पहले कच्चे तेल की कीमतें 82 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चल रही है। हालांकि भारतीय मुद्रा में तेज बढ़त पर रोक लगी है। रणबीर कपूर के एनिमल इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। गौरतलब है कि फिल्म के रिलीज से 6 दिन पहले से ही एनिमल की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और फ्री टिकटों की सेल में भी एनिमल ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात करें तो ये बेहद शानदार है। साइकल्टिक की रिपोर्ट के मुताबिक एनिमल के देश भर में अब तक 7,45,992 टिकट बुक हो चुके हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस आईपीएस आईएफएस या अन्य पदों पर काम करने वाले अफसरों के लिए बड़ी खबर है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर या इसे पास करने वाले कैंडिडेट्स अपनी तस्वीर लगाने की इजाजत देकर वहां से पैसा नहीं कमा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में ज्वाइनिंग लेटर पर हस्ताक्षर करने के फौरन बाद कोचिंग संस्थानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं रख सकते। यूपीएससी पास करने वाले अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थानों में दिए जाने वाले विज्ञापनों से कमाई नहीं कर सकेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ग्रेजुएट्स के लिए बंपर भर्ती निकाली है। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स और मैथ्स के साथ 3 साल की पूर्णकालिक नियमित स्नातक की डिग्री या फिर किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित स्नातक की डिग्री वालों के लिए AAI की ओर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर हाल ही में भर्ती निकाली गई थी। फिलहाल इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को www.aai.aero/en/career/recruitment पर जाकर अप्लाई करना होगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार से भारत द्वारा नामित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में कनाडा के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। सीबीसी ने ट्रूडो के हवाले से कहा कि अमेरिकी से आ रही खबरें भारत को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की जरूरत को रेखांकित करती है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रही खबरें इस बात को और रेखांकित करती है कि हम शुरू से ही इसी बारे में बात कर रहे हैं और भारत को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारी तरफ पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, नौसद अंसारी, रविशंकर, अनुगोलो कुमार, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार राज्य के शिक्षा व्यवस्था में पहले की तुलना में सुधार आया है या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।